Hello, hi, this is Anamika and welcome to Metro TV. Now time for Bollywood news. बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा की जज बन रही हैं। इसमें जज बनना जैकलिन के लिए चुनौती भरा काम है, ऐसा जैकलिन ने खुद कहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस का कहना है कि डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 9 की जज होना उनके लिए एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। श्रीलंकाई सुंदरी को फिल्मकार करण जौहर और दिग्गज कोरियोग्राफर गणेश हेगड़े के साथ डांस शो की जज पैनल में बैठे देखा जाएगा। इस बारे में जैकलिन ने कहा, मेरे लिए एक नया और अलग एक्सपीरियंस है और इसमें काफी मजा आने वाला है। ऐसे पार्टिसिपेंट्स का जज होना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो खुद इतने फेमस है। टेलीविजन चैनल कलर्स पर इस शो का टेलीकास्ट 30 जुलाई से होगा। इसमें सिद्धांत गुप्ता, शांतनु महेश्वरी, सुरवीन चावला, करिश्मा तन्ना, हेलिशा और शक्ति अरोड़ा को पार्टिसिपेंट्स के रूप में देखा जाएगा। अपनी अपकमिंग फिल्म ऋषम के प्रमोशन के लिए जैकलिन दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में मौजूद थे। इसमें उनके साथ जॉन अब्राहम और वरुण धवन भी रहे। ऋषम में अपने किरदार के बारे में जैकलिन ने कहा, ये एक मस्त मौला इंसान का किरदार है। इसमें मुझे काफी मजा आया क्योंकि इसमें मुझे वो करने के लिए मिला जो अक्सर लड़के किया करते हैं। रोहित धवन निर्देशित फिल्म शुक्रवार को रिलीज हुई। पॉर्न स्टार से बॉलीवुड एक्ट्रेस बनी सनी लियोनी की बन रही है बायोपिक। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सनी अपनी बायोपिक में खुद का रोल निभाती नजर आएंगी। सनी लियोनी के फैंस के लिए खुशखबरी है। फिल्म को तेरे बिन लादेन के डायरेक्टर अभिषेक वर्मा सनी पर बायोपिक बनने जा रही है। इस फिल्म में सनी की डेनियल वेबर के साथ लव स्टोरी, एडल स्टार से लेकर बॉलीवुड में कदम रखने तक के सफर को दिखाया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि सनी लियोनी ने खुद अपनी बायोपिक में खुद का रोल अदा करती नजर आएंगी। ये सनी की जिंदगी पर बनने वाली दूसरी फिल्म है। पहली मोस्टली सनी पार्शियली क्लाउडी एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसे कनाडियन फोटो जर्नलिस्ट दिलीप मेहता ने बनाया था। इसका प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2016 में किया गया था। खबरों के मुताबिक ये फिल्म डॉक्यूमेंट्री नहीं होगी। सनी के पति डेनियल भी इस फिल्म में खुद का ही किरदार निभाते नजर आएंगे। सनी की लाइफ को लेकर कई सारे सवाल सनी के फैंस के दिलों में है। हो सकता है ये फिल्म सनी की जिंदगी के अनसुने और अनदेखे पहलुओं को हमारे सामने रखे। सनी के लिए कई लोगों का नजरिया अभी भी गलत है, तो हो सकता है इस फिल्म से सनी के प्रति लोगों का नजरिया बदला। कुछ भी हो, लेकिन सनी लियोनी के फैंस इस फिल्म के लिए अभी से एक्साइटेड हो गए हैं। बॉलीवुड की एक्ट्रेस नरगिस फाखरी बॉलीवुड जगत से और भारत से हमेशा हमेशा के लिए नाता तोड़ रही हैं। लेकिन क्यों, क्या पूरी खबर है, दिखाते हैं आपको। बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस फाखरी के बारे में इन दिनों एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इस खबर को सुनकर शायद आप भी एक पल के लिए इस पर भरोसा न कर पाए, लेकिन इन दिनों ये चर्चा है कि अजहर और हाउसफुल 3 जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का हुनर दिखा चुकी एक्ट्रेस नरगिस फाखरी ने बॉलीवुड से नाता तोड़ने का फैसला कर लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हिंदी सिनेमा के साथ भारत को भी हमेशा के लिए छोड़ने वाली है। नरगिस मई में अपनी फिल्म अजहर और हाउसफुल 3 का प्रमोशन बीच में ही छोड़कर अपने घर अमेरिका चली गई थी। उस समय ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया है। हालांकि उस समय उनके वापस आने की उम्मीद थी, लेकिन हाल ही में आई खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि उन्होंने अब अमेरिका में ही बसने का इरादा कर लिया है। दरअसल वो अपने परिवार और दोस्तों के पास ही रहना चाहती है, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। ऐसे में बता दें कि नरगिस की फिल्म बैंजो आने वाली है। इसके साथ ही वो वरुण धवन और जॉन अब्राहम की अपकमिंग फिल्म ऋषम में मेहमान के तौर पर नजर आने वाली है।
वैसे बॉलीवुड में नरगिस के करियर की बात करें तो वो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि पिछले दिनों उदय चोपड़ा के साथ हुए उनके ब्रेकअप के कारण वो बिल्कुल टूट गई है। मई में उनके अचानक अमेरिका जाने की वजह भी यही बताई जा रही थी। खबरों के मुताबिक उदय से शादी टूटने का सदमा नरगिस बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अब इसके पीछे सही कारण क्या है ये तो नरगिस ही बता सकती है। नरगिस ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत 2011 में आई फिल्म रॉकस्टार से की थी, जिसके चलते वो सुर्खियों में आई थी। यामी गौतम और ऋतिक ने अपनी फिल्म काबिल की शूटिंग शुरू कर दी है। दोनों के साथ में एक पिक्चर भी क्लिक की गई है, सो हैव अ लुक। बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम और एक्टर ऋतिक रोशन ने मुंबई में अपनी अपकमिंग फिल्म काबिल की शूटिंग शुरू कर दी है। यामी और ऋतिक साथ में मुंबई में शूटिंग करते नजर आए। हाल ही में दोनों की साथ में एक पिक्चर सामने आई है। इसमें ऋतिक ने ब्लू डेनिम ब्लैक शर्ट पहन रखी है और यामी का हाथ थाम रखा है। पिक्चर देखकर ऐसा लग रहा है कि ये शॉट शॉपिंग मॉल में फिल्माया गया है। यामी के हाथ में शॉपिंग बैग है, जबकि ऋतिक के हाथ में स्टिक नजर आ रही है। गौरतलब है कि इस फिल्म में दोनों नेत्रहीन कपल का किरदार निभा रहे हैं। इसमें दोनों की केमिस्ट्री देखते ही बन रही है। सूत्रों के मुताबिक फिल्म में आगे चलकर यामी का मर्डर हो जाएगा और ऋतिक उनके कातिलों से बदला लेते नजर आएंगे। एक्ट्रेस यामी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर मेरी पिछली फिल्मों से बिल्कुल अलग है। ऋतिक और मैं इस फिल्म में नेत्रहीन का किरदार निभा रहे हैं। इसके लिए होमवर्क जरूरी था और ये सिर्फ एक्ट्रेस के लिए ही चैलेंजिंग नहीं होता, बल्कि डायरेक्टर और क्रू मेंबर्स के लिए भी टफ होता है। फिल्म की पूरी टीम इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वेल, फिलहाल ऋतिक की मोहनजोदाड़ो फिल्म आने वाली है। ऋतिक के फैंस तो मोहनजोदाड़ो का इंतजार कर रहे हैं। सिद्धार्थ और कैटरीना के काला चश्मा सॉन्ग ने रिलीज होते ही मचा दी धूम। इस गाने के अलावा कैटरीना के कई गानों ने धूम मचाई थी। कौन कौन से वो सॉन्ग हैं, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। फिल्ममेकर करण जौहर लंबे समय के बाद डायरेक्शन में वापसी कर रहे हैं। फिल्म बार बार देखो को लेकर चर्चा जारी भी इसलिए ही है। इसका टाइटल सॉन्ग काला चश्मा रिलीज कर दिया गया है। मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर के पहले इसे रिलीज किया है। इस गाने में कैटरीना कैफ और सिद्धार्थ मल्होत्रा का बेहतरीन अंदाज देखने को मिला है। कैटरीना और सिद्धार्थ के फैंस इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं, मगर इसके अलावा भी कुछ गाने हैं जिन्होंने कैटरीना को फिल्म जगत में बेहतरीन डांसर के तौर पर भी खुद को साबित किया है। इन गानों का जिक्र किए बिना काला चश्मा में कैटरीना की तारीफ कुछ अधूरी सी लगती है। फिल्म धूम 3 में फिल्माए गए गाने कमली की बात कैट के बेहतरीन डांस नंबर के दौरान ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आमिर खान के साथ फिल्माया गया ये गाना भी खूब पॉपुलर हुआ था। फिल्म एक था टाइगर का गाना माशाल्लाह का मामला भी कुछ ऐसा ही है। इसमें कैटरीना और सलमान खान साथ नजर आए थे। कैटरीना के डांस मूव ने सभी को दीवाना बना दिया था। फिल्म अग्निपथ का गाना चिकनी चमेली तो लोगों की जुबान पर चढ़ सा गया था। ये गाना ना सिर्फ हिट रहा था, बल्कि इसके बूते कैटरीना भी इंडस्ट्री के शानदार डांसर में शुमार हो गई थी। फिल्म 30 मार खा बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी, बावजूद इसके कैटरीना के डांस नंबर शीला की जवानी कई दिनों तक म्यूजिक चार्ट में बना रहा था। जहां तक सवाल हालिया रिलीज सॉन्ग काला चश्मा का है, तो इसे बादशाह अमर अर्शी और नेहा कक्कड़ अपनी आवाज दी है। कैटरीना और सिद्धार्थ ने भी इस गाने में अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल किया है। वेल, इस फिल्म में गाना तो खूब पसंद किया गया है। अब देखते हैं कि फिल्म कितनी हिट होती है। फिलहाल बॉलीवुड खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए भी वेद मेट्रो टीवी। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।